राम सेतु के तैरते हुए पत्थर को आपने देखा ही होगा। इस पर भगवान श्री राम का नाम लिखा हुआ था। इसका जिक्र भी कई जगह मिलता है। पटना सिटी में शुक्रवार को एक ऐसा ही पत्थर देखने को मिला। यह पत्थर गंगा नदी में तैरता हुआ मिला तो लोग हैरान रह गए। इसके बाद प्रभु श्री राम का नाम लेकर दो युवकों ने अचानक नदी में छलांग लगा दी और इस पत्थर को बाहर निकाला गया। पत्थर देख लोग दंग रह गए। इसमें प्रभु श्री राम का नाम लिखा था। इसके बाद लोगों ने जय श्री राम के जयकारे लगाए और पत्थर की पूजा की। लोगों का कहना है कि निकलते वक्त तो पत्थर हल्का लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे इसका वजन बढ़ने लगा है और इसका वजन बढ़कर 17 kg तक चला गया है। लोगों ने इस पत्थर को राजाघाट के समीप एक मंदिर के प्रांगण में रख दिया है। लोग इसे राम सेतु का पत्थर बता रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब इस पत्थर का वजन किया गया तो प्रारंभिक दौर में इसका वजन 9 किलोग्राम था, लेकिन धीरे धीरे इसका वजन बढ़कर 17 kg हो गया। उसके बाद इसका वजन नहीं किया गया है। बता दें कि इस पत्थर पर राम लिखा हुआ है। लोगों ने इस पत्थर को राजाघाट के पास से एक मंदिर के प्रांगण में रखा है। वहीं लोग इस पत्थर को रामशिला कह रहे हैं। इसके बाद स्थानीय लोग इस पत्थर को पूज रहे हैं। इस पत्थर को देख कुछ लोग हैरान हैं तो कुछ श्रद्धा से इसे निहारने पहुंच रहे हैं। इसकी चर्चा पूरे क्षेत्र में हो रही है। परफेक्शन IAS सिविल सेवा BPSC UPSC परीक्षा के लिए एकमात्र समर्पित और रिजल्ट ओरिएंटेड संस्थान, बेहतर सफलता के लिए केंद्रित परफेक्शन IAS फाउंडेशन कोर्स हिंदी और इंग्लिश माध्यम में विश्वसनीय गाइडेंस के साथ सुनिश्चित की जाती है। 64वीं, 65वीं, 66वीं BPSC परीक्षाओं में सबसे ज्यादा 107, 69, 131 क्रमशः रिजल्ट देने वाली संस्थान परफेक्शन IAS, कुमार टावर, बोरिंग रोड, पटना। हालांकि भूवैज्ञानिकों का कहना है कि कई बार पत्थर पुराने हो जाते हैं तो उसमें छेद हो जाते हैं। साइंटिफिक कारण है, ऐसे में पत्थर पानी में तैरने लगता है। स्थानीय लोगों ने बताया है कि राजा घाट पर कुछ युवक सुबह नहाने गए थे। इस दौरान उन्हें गंगा नदी में एक तैरता हुआ पत्थर दिखा। इसके बाद उन्होंने पत्थर को बाहर निकाला। लोगों ने बताया कि देखने से पत्थर हल्का लगा, लेकिन उठाने पर वजन है। इस पत्थर पर राम नाम लिखा था। इसके बाद मंदिर के प्रांगण में रख दिया गया है। वहीं लोग दूर दूर से इस पत्थर को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही आस्था के साथ लोग पत्थर की पूजा भी कर रहे हैं।